अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या चीज़ है। हम स्टेप बाय स्टेप इसके स्टेप्स पढ़ेंगे कि ये किस तरह से है और आखिर पर जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है, हम एक डिटेल से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट स्टार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में पहला वर्ड आ रहा है रिप्रोडक्शन, तो हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन भी दो वर्ड्स पर कंसिस्ट है, एक है री, दूसरा है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, दोबारा, एक चीज दोबारा होना। प्रोडक्शन पैदावार, मेकिंग, किसी चीज का बनना। रिप्रोडक्शन किसी चीज का दोबारा बनना, किसी चीज का दोबारा जनरेट होना, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी तो हम किस चीज की रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जानदार के बारे में, कि जानदार किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से उनकी नस्ल आगे बढ़ती है और किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जानदारों में भी हम आज उन कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ह्यूमन, इंसानों का दोबारा पैदा होने का जो सिस्टम है उसको पढ़ने जा रहे हैं कि इंसान की नस्ल कैसे आगे बढ़ती जा रही है। हमें पता है कि सबसे पहले दादाजी, उसके बाद आपके वालिद, उसके बाद आप, और दादाजी से पहले भी उसके दादाजी, उससे दादाजी, तो ये आगे से आगे नस्ल बढ़ती जा रही है, इंसान की स्पीशी आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस किस तरह से हो रहे हैं। अब देखिए, मैं बात करता हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। हम पता है कि वालिद, उसके बाद उसका एक बेटा आता है, मिसाल के तौर पर औलाद उसकी, वो भी इंसान है, तो वो सेम टू सेम उस जैसा तो नहीं है। तो हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन किसे कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन ये कैसे हुई कि दोबारा रिप्रोड्यूस, यहाँ बात हो रही है रिप्रोड्यूस स्पीशी की बात हो रही है, ना कि सेम टू सेम वही इंसान रिप्रोड्यूस। अब मिसाल के तौर पर आगे मेरी नस्ल में सेम टू सेम मेरे जैसा थोड़ी होगा कोई, मेरे मुझसे डिफरेंट होगा, उसका माइंडसेट और होगा, वो दुनिया को ऑब्जर्व करेगा, वो अलग इंसान होगा। लेकिन होगा क्या, इंसान ही होगा, क्योंकि मैं इंसान हूँ, इंसान का बच्चा इंसान। जिस तरह एक मछली मछली को जन्म देती है, एक आम का पेड़ एक आम के पेड़ को जन्म देता है। ठीक है, तो इसी तरह इंसान, यहाँ बात हो रही है स्पीशी की, कि एक स्पीशी आगे से आगे कैसे बढ़ती है। स्पीशीज में बात हो रही है ह्यूमन, ह्यूमन स्पीशी आगे से आगे कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात हो रही थी, तो इसमें दो सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे, एक है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मर्दों का रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंसान आगे से आगे कैसे बढ़ रहे हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम के नतीजे में ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में क्या आता है कि इंसान किस तरह से आगे बढ़े, वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की वजह से, अब देखिए फ्यूजन, फ्यूज हो जाना, गैमेट्स, अब वर्ड क्या आ रहा है, गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स कहते हैं सेक्स सेल्स को। ठीक है, सेक्स सेल्स को कहते हैं गैमेट्स। अब गैमेट्स भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं मेल गैमेट्स, एक होते हैं फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्पर्म। ठीक है, और फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, ओवम, ओवम कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, ये हमें पता चलता है मेल और फीमेल के गैमेट्स के आपस में फ्यूज होने की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, नस्लें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखिए मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में, मेल का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम में पार्ट यूज होता है वो हमें नजर आ रहा है। उसमें सबसे क्या चीजें आती हैं, एक आता है पेनिस, ठीक है, और दूसरे हैं टेस्टीज। जो जो टेस्टीज हैं वो बॉडी के बाहर होती हैं, और पेनिस भी बॉडी के बाहर ही होता है। ठीक है, अब देखिए टेस्टीज, टेस्टीज क्या होते हैं, टेस्टीज में ही स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, स्पर्म्स पैदा होते हैं वहीं पर। अब स्पर्म्स को कैरी कैसे किया जा रहा है, स्पर्म्स को कैरी करने के लिए एक पाउच टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, ये एक पाउच टाइप स्ट्रक्चर है जो कि इन टेस्टीज को कैरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर है टेस्टीज प्रेजेंट, और टेस्टीज की तादाद कितनी है, दो। ठीक है, टेस्टीज दो होते हैं,
और इन दोनों टेस्टिस में स्पर्म्स पैदा होते हैं, स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है इनके अंदर, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल्स के स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में जाना होता है, तो मेल के स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में किस तरह से बाहर जाएंगे, तो वो एक मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि खास प्रोसीजर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप स्पर्म्स बॉडी में, बॉडी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, पीनस से डिस्चार्ज हो जाते हैं और फीमेल की बॉडी तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस पर एपिडिडमस होते हैं जो कि स्पर्म्स को निकालते हैं टेस्टिस में से और उसको एक लॉन्ग ट्यूब में भेज देते हैं जो कि ऊपर को जाती है, ठीक है। वो एक लॉन्ग ट्यूब में से गुजरते हैं और एपिडिडमस से एपिडिडमस स्पर्म्स को निकालता है, स्पर्म्स जाते हैं ऊपर लॉन्ग ट्यूब में और ट्यूब में ऊपर जो आती है चीज उसे कहते हैं वैस डिफरेंस, ठीक है। तो क्या वैस डिफरेंस से डायरेक्टली स्पर्म्स डिस्चार्ज हो जाते हैं पीनस के थ्रू? नहीं, उसे एक डिफरेंट सेक्रीशंस के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद प्रॉपर सीमन तैयार होता है और वो सीमन यूरेथ्रल के जरिए डिस्चार्ज होता है। तो हम पढ़ते हैं कि सेक्रीशंस कौन सी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पर्म्स थे, स्पर्म्स एपिडिडमस के जरिए लॉन्ग ट्यूब में गए जिसे वैस डिफरेंस कहते हैं, वहां तक गए। अब वैस डिफरेंस से आगे कहां जाएंगे, और वैस डिफरेंस से गुजरते हुए स्पर्म्स पहुंच जाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट्स तक। अब इजैकुलेटरी डक्ट्स क्या है, वो उसे स्पर्म्स को एक लिक्विड टाइप फ्लूड के पास पहुंचा देते हैं। अब ये हम फ्लूड, किस फ्लूड की बात करें, देखिए स्पर्म्स को जिंदा रहने के लिए एसिडिक कंडीशन से बचना पड़ता है, तो वो जो लिक्विड है वो उस चीज से उसको सर्वाइव करवाता है, बचाता है उस स्पर्म्स को, ठीक है। अब जो स्पर्म्स हैं वो इजैकुलेटरी डक्ट्स के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या कहते हैं, वो प्रोस्टेट फ्लूड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि वो डिफरेंट उसे सिक्रीशन से गुजरना पड़ता है, उसके बाद एक प्रॉपर सीमन तैयार होता है, ठीक है। तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स पर भी कुछ सिक्रीशंस होती हैं, और उसके बाद एक और चीज है जिसका नाम है सेमिनोफरस टेब्यूल्स, ठीक है। सेमिनोफरस टेब्यूल से भी सिक्रीशंस होते। तो क्या इन तीनों सिक्रीशंस होने के बाद सीमन रेडी हो जाता है? नहीं, इसके बाद भी प्रोस्टेट ग्लैंड के आप देख सकते हैं डायग्राम में गोल गोल जो है, यहां से भी ये गोल गोल जो पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको, यहां से भी सिक्रीशन होती है, ठीक है। यहां से भी सिक्रीशन होती है। जब ये सारी सिक्रीशन कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद सीमन रेडी हो जाता है, मतलब स्पर्म रेडी हो जाता है फीमेल की बॉडी में जाने के लिए, रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए वो सीमन रेडी होता है। तो वो फिर यूरेथ्रा से होता हुआ डिस्चार्ज हो जाता है पीनस से। तो ये तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम यहीं पर खत्म हो जाता है कि ये किस तरह से सिस्टम टेस्टिस से होते हुए वो ट्यूब से गुजरते हुए सारी सिक्रीशंस होने के बाद वो पीनस से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये था मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। अब स्पर्म्स डिस्चार्ज तो हो चुके हैं, लेकिन हम स्पर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि स्पर्म्स यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर। तो ये होते हैं यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि स्पर्म्स की स्ट्रक्चर क्या है। अब स्पर्म्स के फ्रंट पार्ट में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, और उसके बैक पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि इसे मूवमेंट के लिए इसको पावर देता है, इसको एनर्जी देता है कि मूव करने के लिए। और लेकिन जो फिजिकली मूवमेंट है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है? वो हो पाती है स्पर्म्स के पीछे जो टेल होती है उसकी वजह से इसकी मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है, तो ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आपको याद होगा कि अभी हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, सोर्स ऑफ स्पर्म्स क्या हैं, तो वो क्या थे, टेस्टिस थे। इसी तरह फीमेल बॉडी के अंदर एग सेल्स जिसे हम ओवम भी कहते हैं, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, तो वो कहाँ बनते हैं वो जानते हैं, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर आप ओवरीज, जिस तरह टेस्टिस थे ना पेयर ऑफ टेस्टिस, इसी तरह फीमेल बॉडी के अंदर ओवरीज होते हैं जहाँ पर ओवम की फॉर्मेशन होती है, एग सेल्स बनते हैं, ठीक है। ये भी तादाद में दो ही होते हैं, ठीक है। अब आप ओवरीज के साथ फिंगर टाइप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि ओवरीज को जोड़ रहा है किसके साथ, यूरेट्रस के साथ। यूरेट्रस क्या चीज़ है, ये दो ओवरीज के दरमियान पे जो जगह नजर आ रही है आपको, इसे कहते हैं यूरेट्रस, ठीक है। अब इस फिंगर टाइप स्ट्रक्चर का काम क्या है, ये ओवरीज को यूरेट्रस के साथ कनेक्ट करती है। जैसे ही ओवरीज से एग सेल्स रिलीज होते हैं, ओवम रिलीज होता है जिसे हम ओवम भी कहते हैं, ठीक है, तो वो उसको कैरी करता है, कैरी करने के बाद उसे ले जाता है आगे ट्यूब के अंदर। लेकिन जो कैरी कर रहा है, जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका साइंटिफिक नेम है फिम्ब्रॉय,
ठीक है, इसे हम फिम्ब्रॉय कहते हैं। तो इसका काम क्या है, ये ओवम को कैरी करता है, इसके बाद इसे पहुंचा देता है आगे ट्यूब के अंदर। ये आप दोनों ओवरीज के साथ कनेक्टेड ट्यूब्स देख रहे हैं, जो ट्यूब क्या करी है, ये उसको कनेक्ट करी है ओवरी को यूरेट्रस के साथ। तो इन ट्यूब का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसे कहते हैं फिलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब्स इसे कहते हैं। ओके, अब फिलोपियन ट्यूब्स को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है ओवम, एग सेल्स होते हैं। तो जैसे ही स्पर्म्स एंटर करते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, तो वो यूट्रस से होते हुए फिलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। तो सिर्फ एक ही जो स्पर्म सेल है वो फर्टिलाइज हो पाता है इसके साथ, एग सेल के साथ, ठीक है। तो यहीं पर जायगोट की फॉर्मेशन होती है। जायगोट किसे कहते थे, मेल और फीमेल के जो सेक्स सेल थे उनकी जो आपस में फ्यूजन होने के रिजल्ट में जो चीज़ बनती थी उसे जायगोट कहते हैं। तो जायगोट कहाँ पे बनता है, तो वो बनता है फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। तो फिलोपियन ट्यूब्स के बाद क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब से आगे वो डिफरेंट स्टेप से गुजरता है, जो कि इससे हम अगले टॉपिक फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो हम फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़े हैं तो सिंपल समझ लेते हैं। तो वहाँ से बढ़ता बढ़ता स्टेप्स गुजरता हुआ सेल्स डिवाइड होते होते वो आगे एक कंप्लीट एम्ब्रियो बन जाता है, तो वो आ जाता है यूरेट्रस के अंदर। यूरेट्रस में क्या होता है, यहीं पर ही बेबी की फॉर्मेशन होती है, सारे जो बेबी कैसे बनता है सारा वो यूरेट्रस के अंदर होता है एम्ब्रियो बनने के बाद, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि जहाँ से स्पर्म्स बॉडी में एंटर हो रहे हैं तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसे कहते हैं वजाइना। वजाइना का काम क्या है, वजाइना के जरिए ही मेल का जो पीनस है वो फीमेल बॉडी में एंटर होता है, वहाँ पर स्पर्म्स रिलीज होते हैं। और इसके अलावा इसका क्या काम है, जब एक बेबी बन जाता है तो उसका जो डिलीवरी है वो इसी रास्ते के थ्रू होती है, तो इसे क्या कहते हैं, वजाइना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम समझ आ गया होगा, उसी तरह जिस तरह उसमें टेस्टिस थे इसमें ओवरीज हैं, ठीक है। ओवरीज से क्या होता है, ओवरीज में बनते हैं ओवम जिसे हम एग सेल्स कहते हैं, उसके बाद वो फिलोपियन ट्यूब्स में आते हैं, फिलोपियन ट्यूब्स के बाद वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूरेट्रस में एम्ब्रियो बनता है, तो वहाँ पर बेबी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब हमने पढ़ चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है। अब हम बेबी की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या पढ़ना, उस टॉपिक को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, अब मेल पढ़ लिया, फीमेल पढ़ लिया, अब देखें मेल और फीमेल के दरमियान इंटरकोर्स होगा और सेक्स के दौरान क्या होगा कि मेल का पीनस वजाइना में एंटर होगा और एंट्री पर स्पर्म्स रिलीज होंगे, ठीक है। अब स्पर्म्स रिलीज होने पर क्या होता है कि लाखों मिलियंस की तादाद में स्पर्म्स भागते हैं रास्ते के अंदर यूरेट्रस से होते हुए, ताकि वो एक एग सेल को फाउंड करके उस पर अब उसको फर्टिलाइज कर सकें, ठीक है। तो वो मिलियंस ऑफ सेल आधे कुछ रास्ते में ही मर जाते हैं कुछ रुकावटों की वजह से, और जो सबसे पहले पहुंचता है ना, जो सबसे पहले स्पर्म सेल पहुंचता है उसी को ही मौका मिलता है कि वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो चुके, ठीक है। वो उसकी बॉडी पर लगता है और उसके जैसे ही पहला स्पर्म उसके साथ फर्टिलाइज होने की कोशिश करता है, फर्टिलाइज होता है उसके साथ, तो जो एग सेल है वो केमिकल रिलीज करता है जो कि बाकी स्पर्म सेल्स हैं उनको एग सेल के अंदर एंट्री से मना कर देता है, ताकि वो अंदर जाके किसी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज ना हो सकें। तो जो पहले नंबर पर स्पर्म एंट्री कर जाता है, तो मेल का जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो फीमेल के एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो बाकी जो स्पर्म सेल थे वो ज़ाया हो जाते हैं, वो मर जाते हैं वहीं पर, ठीक है। तो फ्यूज होने के नतीजे में क्या बनता है, मैंने पहले भी बताया, तो उसे क्या कहते हैं, तो बन जाता है जायगोट। जायगोट किसे कहते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स और मेल सेक्स सेल्स के आपस में फ्यूज होने के नतीजे में जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं जायगोट। तो जायगोट का आगे क्या होता है, वो आगे डिवीजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। पहले सिंगल सेल होते हैं, उसके बाद वो दो से चार होते हैं, चार से आठ होते हैं, आठ से सोलह हो जाते हैं। तो जो सोलह सेल्स की स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोरोला, ठीक है। सोलह सेल्स की जो फॉर्म बन जाती है ना सेल्स डिवाइड होने के बाद, उसे कहते हैं मोरोला, ठीक है। तो इसी तरह सेल्स आपस में डिवाइड होते 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 उसके बाद सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और एक होलो मास स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस होलो मास स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्लास्टुला, ठीक है, उसे कहते हैं ब्लास्टुला, एक होलो मास स्ट्रक्चर बन जाता है।
तो ब्लास्टुला से अगली स्टेज क्या आती है, उससे आगे डिफरेंशिएट ऑफ सेल्स, सेल आपस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होता है, उसके बाद बन जाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो कहाँ पर पहुंच जाता है, वो होता है यूरेट्रस के अंदर, जहां पर सारी बेबी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो आ चुका है यूरेट्रस के अंदर। अब ठीक है, यहाँ पर ही सारी बेबी की फॉर्मेशन होनी है, तो यूरेट्रस की एक दीवार के साथ वो अपने आप को फिक्स कर लेता है। ठीक है, तो इस फिक्स करने के अमल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, वो अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है वहां पर। अब जो दीवार जिसकी वजह से वो उसके साथ जुड़ रहा है, जिसकी वजह से वो वहां पर फिक्स हो रहा है, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं प्लेसेंट्रा। ठीक है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो यूरेट्रस की वॉल के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, उसका वहां पर जुड़ने का मकसद क्या होता है, ताकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट रिमूवल, ठीक है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ये अमल आ जाता है इसके अंदर, ये था इसका मकसद। ठीक है, अब इसी के साथ, वक्त के साथ साथ वो एम्ब्रियो डेवलप होता है, न्यूट्रिशन लेता रहता है, वक्त के साथ बेबी आगे से आगे बेबी बनता रहता है डिफरेंट स्टेप्स, तो तकरीबन 9 मंथ्स के अंदर एक बेबी फॉर्म हो जाता है, कंप्लीट एक बच्चा बन जाता है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट जो कहा जाता है कि प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, जब एक फीमेल की बॉडी में एक बच्चा बन रहा होता है तो उस स्टेज को कहते हैं प्रेगनेंसी। जैसे ही 9th मंथ कंप्लीट होते हैं तो हॉस्पिटल जाया जाता है, उसके बाद बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है, तो एक बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, इस दुनिया में वो आता है, और इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हमने तरतीब से क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या है, फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फिर मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फिर फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद किस तरह से एक बच्चे किन स्टेजेस से गुजरता है वो पढ़ी, और उसके बाद बच्चे की डिलीवरी किस तरह से होती है वो हमने पढ़ा। ठीक है, तो एक किस तरह से एक इंसान की नस्ल आगे बढ़ती है, तो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।